हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इन्वायरमेंटल स्टडी क्लास के अंदर आज हम लोग 500 बेस एमसीक्यू का क्लास नंबर 17 डिस्कस करेंगे। बाकी क्लास का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इंक्लूडिंग द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रेम्बल में कौन सा वर्ड नहीं है? जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी है। सेंसिटिविटी जो है ये प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबलिश द अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी के बारे में कौन सा आर्टिकल में बात किया गया है? आर्टिकल नंबर 17 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द राइट टू एडुकेशन जिसको हम लोग RTE बोलते हैं बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। राइट टू एडुकेशन कौन सा कैटेगरी में आता है? फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट यूएसए कंट्रीज से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 के अंदर दिया गया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट आयरलैंड कंट्रीज से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 36 से लेकर 51 तक है। फंडामेंटल ड्यूटी का कॉन्सेप्ट यूएसएसआर कंट्री से लिया गया है। आर्टिकल नंबर 51A के अंदर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तीन लिस्ट होता है, स्टेट लिस्ट होता है, कॉन्करेंट लिस्ट होता है, उसके बाद सेंट्रल लिस्ट होता है। आप सभी को बताना है जो ऑप्शन दिया है कौन सा स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता है। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, प्रिजन्स जो है स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। पासपोर्ट जो है स्टेट लिस्ट के अंदर नहीं आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा का एक्स ऑफिशियल चेयरमैन कौन है? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट में कौन है? एम वेंकैया नायडू। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो टर्म होता है 5 ईयर्स के लिए होता है। इनके बारे में आर्टिकल नंबर 63 में दिया गया है। सबसे पहला वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया इन अक्टूबर 1959 इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सबसे पहला स्टेट में पंचायती राज लागू जो हुआ था उसका नाम क्या है? उसका नाम है राजस्थान। राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट में लागू हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थ्री लिस्ट यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट आर मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल। तो कौन सा शेड्यूल में दिया है? शेड्यूल नंबर 7 में दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल जो पार्ट है वो एट प्रेजेंट में 25 है। उसके बाद आर्टिकल कितना है? 465 है। और शेड्यूल कितना है? 12 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू रिकॉग्नाइज एज नेशनल पार्टी ए पॉलिटिकल पार्टी मास्ट बी रिकॉग्नाइज पार्टी इन एटलीस्ट। तो नेशनल पार्टी दर्जा पाने के लिए कितना स्टेट के अंदर रिकॉग्नाइज पार्टी होना चाहिए? मिनिमम 4 स्टेट के अंदर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडिया में टोटल नेशनल पार्टी है 8। आइए उसका नाम जानते हैं। सबसे पहला है भारतीय जनता पार्टी, इसका फाउंडेशन ईयर है 1980। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका फाउंडेशन ईयर है 1885। नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसका फाउंडेशन ईयर है 1964। इसके बाद नेक्स्ट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, इसका फाउंडेशन ईयर है 1925। इसके बाद नेक्स्ट है बहुजन समाज पार्टी, इसका फाउंडेशन ईयर है 1984। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, इसका फाउंडेशन ईयर है 1999। इसके बाद नेक्स्ट है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसका फाउंडेशन ईयर है 1998। इसके बाद नेक्स्ट है नेशनल पीपुल्स पार्टी, इसका फाउंडेशन ईयर है 2013। ठीक है, तो सबसे ओल्डेस्ट पार्टी है इंडियन नेशनल कांग्रेस और सबसे न्यू पार्टी है नेशनल पीपुल्स पार्टी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोकसभा प्रोवाइडेड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। लोकसभा का मैक्सिमम सीट कितना है? 552। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और राज्यसभा का मैक्सिमम सीट कितना है? 250 है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट वॉज सेटअप अंडर। सुप्रीम कोर्ट कौन सा एक्ट के हिसाब से सेटअप हुआ था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इनोग्रेशन हुआ था 28 जनवरी 1950 में। सुप्रीम कोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिटायरमेंट का एज है 65 ईयर। एट प्रेजेंट में सुप्रीम कोर्ट का 40th चीफ जस्टिस का नाम है NV रमना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स एडिशनल एंड एक्टिंग जज कैन बी अपॉइंटेड इन हाई कोर्ट। वो है आर्टिकल नंबर 224। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इंडिया में टोटल हाईकोर्ट कितना है? 25। हाईकोर्ट का जज का अपॉइंटमेंट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन ओथ दिलाते हैं गवर्नर। और रिटायरमेंट का एज कितना है? 62 ईयर्स। इस वीडियो में हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।